जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। दोनों पाओ इकट्ठे पाएंगे। अच्छा नमस्ते भैया, चुटी बैठे ठीक है ठीक है। राहुल जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी का काम चढ़िए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। रविंद्र रैना जी रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के अंदर। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य पद्धति है, हम सभी कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको 3 साल का समय किसी कार्यकाल में मिलता है। तो आज 3 साल जो हमारे मंडल के जो अध्यक्ष थे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठनात्मक जो कठुआ जिला है उसके अंदर हमारे 8 मंडल हैं, और 8 मंडल अध्यक्ष जो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, और पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि नए मंडल अध्यक्ष जो हैं नए जिम्मेदारी के साथ उनको पार्टी ने घोषित किया। और आज बड़ा ही खुशी का दिन है, आज जो कठुआ शहर है हमारा उसके अध्यक्ष मेरे छोटे भाई राहुल देव जी को पार्टी ने नियुक्त किया है, और मैं अपनी तरफ से पार्टी की हाईकमान की तरफ से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बेहतरीन बहुत कर्मठ हमारे कार्यकर्ता है, और पार्टी से कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा इन नौजवान कार्यकर्ता हैं, पार्षद भी हैं और बहुत मेहनती हैं, तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा राहुल देव जी से है, और मैं भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ पार्टी ने जो आज इन पर जो विश्वास किया है उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कठुआ शहर के अंदर जितने भी हमारे वार्ड हैं सबको साथ लेकर सबके साथ मिलकर जितने भी हमारे नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सबके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पार्टी के अंदर काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी तरफ से पार्टी हाईकमान की तरफ से एक बार फिर से मेरे छोटे भाई राहुल देव जी मंडल अध्यक्ष कठुआ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही साथ आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो 8 मंडल हैं आपने देखा होगा कि पिछले कल से लगभग सभी मंडल अध्यक्ष हमारे पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं, तो मैं सबको मीडिया के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं संगठन के विस्तार के लिए पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कठुआ जिला के अंदर जिस तरह से हम लोग पिछले काफ़ी समय से जो हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, हमारे जो मंडल अध्यक्षों ने जो काम किया है, हमारे पूर्व जिलाध्यक्षों ने जो काम किया है, हमारे सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने आज तक इस कठुआ जिला के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया, उस काम को हम सभी मिलकर एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए एक संगठित रूप से आने वाले समय में कठुआ जिला के अंदर और शक्ति के साथ हम लोग संगठन के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला कार्यालय में अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जो नई टीम की घोषणा की गई है, हमारे 8 के 8 मंडल जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और कठुआ सिटी के जो मंडल प्रधान हैं नव नियुक्त जो है मेरे छोटे भाई राहुल देव जी की घोषणा हुई है, और मैं इनको दिल की गहराइयों से हार्दिक इनका स्वागत और अभिनंदन करती हूं, और यही अपेक्षा करती हूं कि ये अपने जिले के कार्य को और संगठन के लिए संगठन की मजबूती के लिए दिन रात कार्य करेंगे, और सभी मंडल अध्यक्षों को मैं दिल से शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद। मैं आज संविधान दिवस की समस्त कठुआवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, और जो मंडल प्रधान जैसे आपके आपने प्रश्न किया कि बनाया गया है, जैसे कि अध्यक्ष जी ने दोरा जी ने और सबने बताया कि ये संगठन की एक प्रक्रिया है, इसमें कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जाती है कि वह संगठन का कार्य को आगे बढ़ाएं और संगठन को किस तरह से मजबूती प्रदान करें, उसी के चलते संगठन ने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मैं पूर्ण जम्मू कश्मीर संगठन के प्रत्येक ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता का इस जिम्मेवारी मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आभार प्रकट करता हूँ अपनी पूरी कठुआ जिला की टीम का, विशेषकर अपने जिला अध्यक्ष गोपाल जी का जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया। और मैं अपनी तरफ से पहले भी हम लगभग 17 वर्ष से समाज कार्य में लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे, और
जो अपेक्षा संगठन ने मेरे से की है, मैं उस अपेक्षाओं पे खड़े होते हुए यही प्रयास करूंगा कि पूरी टीम को लेकर, सभी लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं, प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर आगे चलूंगा और संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी में निभाने का पूरा पूर्ण प्रयास करूंगा और ये भी कामना करूंगा कि प्रभु मुझे शक्ति दे कि संगठन ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है, मैं उस संगठन के विश्वास को कायम रखते हुए संगठन के कार्य को और अच्छे से, पहले भी चल रहा था अच्छे, उसको और मजबूती संगठन को प्रदान करने के लिए आने वाला समय, चुनाव का समय भी है, तो किस तरह से सब लोग मिलकर एक रणनीति बनाकर कठुआ में किस तरह से मजबूती से हम कार्य करें, ये कार्य करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। एक बार मैं पुनः अपनी तरफ से पूरी जम्मू कश्मीर भाजपा टीम को, जिला टीम को अपनी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास